मैं डॉक्टर त्रिपाठी और हम इन कंटिन्यूएशन टू लास्ट वीडियो जो हमने देखा था जिसमें हमने एक प्रॉपर्टी स्टडी की है मॉड जेड इज स्क्वायर इज इक्वल टू जेड इनटू जेड बार। ये जो प्रॉपर्टी है इस पे बेस्ड हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और ये एनसीईआरटी में भी है। तो क्वेश्चन इस तरह से है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स सच दैट मोड बीटा इज वन, मोड बीटा की वैल्यू दी हुई है वन, और हमसे पूछते हैं देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मोड ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन वन माइनस अल्फा बार बीटा। इसकी वैल्यू पूछते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है इंडिया में। तो इसका सॉल्यूशन गिवन मॉड बीटा इज वन, देयरफॉर मॉड बीटा स्क्वायर इज वन। और ये प्रॉपर्टी देखिए आप, मॉड बीटा स्क्वायर कैन बी रिटन एज बीटा इंटू बीटा बार। दिस इंप्लाइज बीटा इंटू बीटा बार इज इक्वल टू वन। नाउ कीप दिस इन माइंड, अब आप इसको अपने दिमाग में रखना। नेक्स्ट अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो नाउ मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन वन माइनस अल्फा बार बीटा, लेकिन मॉड डायरेक्ट नहीं खुल सकता है क्योंकि यहां पे मॉड का स्क्वायर होना, तो मैं यहां स्क्वायर लगा देता हूं। स्क्वायर से स्टार्ट करते हैं, तो स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका जेड इंटू जेड बार मींस बीटा माइनस अल्फा वन माइनस अल्फा बार बीटा, बीटा माइनस अल्फा वन माइनस अल्फा बार बीटा होल बार, बिकॉज मॉड जेड स्क्वायर इज जेड इंटू जेड बार। अब देखिए अगली प्रॉपर्टी है मॉड की, बीटा माइनस अल्फा वन माइनस अल्फा बार बीटा। जल्दीबाजी ना करें, आराम आराम से करेंगे। बीटा माइनस अल्फा होल बार वन माइनस अल्फा बार बीटा होल बार, और प्रॉपर्टी लिखें बिकॉज वी नो दैट जेड वन अपॉन जेड टू बार इज इक्वल टू जेड वन बार अपॉन जेड टू बार। दोनों के बार सेपरेट कर दिए, तो ये दोनों के बार सेपरेट हो गए। बीटा माइनस अल्फा वन माइनस अल्फा बार बीटा, बीटा माइनस अल्फा बार कैन बी रिटन एज बीटा बार माइनस अल्फा बार वन बार माइनस अल्फा बार बीटा होल बार। कौन सी प्रॉपर्टी यूज की? बिकॉज जेड वन माइनस जेड टू बार इज इक्वल टू जेड वन बार माइनस जेड टू बार, और यहां पे भी बार बार सेपरेट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा अल्फा बार बार इंटू बीटा बार, तो उसमें मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टी लगेगी। नेक्स्ट स्टेप में लिखता हूं मैं, बीटा माइनस अल्फा वन माइनस अल्फा बार बीटा, इधर देखिए बीटा बार माइनस अल्फा बार, वन बार विल बी वन बिकॉज रियल नंबर का बार रियल रहेगा, माइनस अल्फा बार बार इंटू बीटा बार बिकॉज जेड वन इंटू जेड टू बार इज जेड वन बार इंटू जेड टू बार एंड बार ऑफ रियल नंबर इज रियल नंबर नो चेंज। तो ये हो गया अल्फा बार बार इज अल्फा। तो आगे बढ़ेंगे हम, ये देखिए आगे किस तरीके से करते हैं। बीटा माइनस अल्फा
upon 1 minus alpha bar beta into beta bar minus alpha bar upon 1 minus alpha beta bar, because alpha bar bar is 1. You can quote here, because alpha bar bar is alpha, not 1. अब मल्टीप्लाई कर दें आप, बीटा इंटू बीटा बार, बीटा इंटू अल्फा बार, अल्फा इंटू बीटा बार, अल्फा इंटू अल्फा बार, इन नीचे भी ऐसे वन इंटू वन वन माइनस अल्फा बीटा बार, वन इससे भी मल्टीप्लाई किया, वन को इससे भी किया. अब नेक्स्ट माइनस अल्फा बार बीटा, माइनस इंटू माइनस, प्लस अल्फा इंटू अल्फा बार, बीटा इंटू बीटा बार. अब देखिए कौन कौन वन होगा, तो आप देख सकते हैं बीटा इंटू बीटा बार इज वन, तो जहां भी बीटा इंटू बीटा बार लिखा मैं वन लिख देता हूं, यहां वन आ जाएगा. माइनस बीटा इंटू अल्फा बार, अल्फा इंटू बीटा बार, अल्फा इंटू अल्फा बार अपॉन वन माइनस अल्फा बीटा बार, इसको लिख दे अल्फा बार बीटा, प्लस अल्फा अल्फा बार इंटू बीटा बीटा बार वन. कहां से? फ्रॉम वन, यूजिंग वन. बीटा इंटू बीटा बार इज वन. अब आप देख सकते हैं कि ये जो क्वांटिटी है जो न्यूमरेटर में है, वन माइनस अल्फा बार बीटा, अल्फा बीटा बार, अल्फा अल्फा बार अपॉन वन माइनस अल्फा बार, सॉरी अल्फा बीटा बार, अल्फा बार बीटा, अल्फा अल्फा बार, सेम है. ये दोनों आगे पीछे लिखे हैं, ये यहां लिखा है, ये यहां लिखा है, अदरवाइज दोनों सेम है. तो बोथ विल बी कैंसल्ड और आपके पास आ जाएगा वन. तो इसकी वैल्यू जो एक्सप्रेशन है लेफ्ट साइड में, इसकी वैल्यू, इस स्क्वायर की वैल्यू सिंप्लीफाई करते करते हमारे पास आ गई वन. ये वैल्यू वन के बराबर आ गई. देयरफॉर दिस इंप्लाइज, अब आप वहां से इसको ऐसा लिख दें, या फिर आप उसी के आगे चलना चाहते हैं तो नीचे लिखना पड़ेगा फिर मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा, वन माइनस अल्फा बार बीटा इज इक्वल टू वन स्क्वायर. और अगर आपने स्क्वायर रूट ले लिया दोनों साइड का तो आपके पास वैल्यू होगी, उसका स्क्वायर रूट ले लिया अगर आपने दोनों साइड का, तो ये स्क्वायर यहां से हटेगा और यहां पर स्क्वायर रूट लग जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ वन. इट कैन नॉट बी प्लस माइनस बोथ, क्योंकि ये मॉड्यूलस है एंड मॉड्यूलस इज स्टैंडिंग फॉर डिस्टेंस, देयरफॉर इट कैन नॉट बी नेगेटिव. तो मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन वन माइनस अल्फा बार बीटा इज इक्वल टू वन. सो फाइनली जो एक्सप्रेशन था जिसकी वैल्यू हमें पूछी थी उसकी वैल्यू वन है. इस क्वेश्चन को आप एक दो बार सेल्फ ट्राई करें, अपने दोस्तों को सिखाने की कोशिश करें. कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो, मुझे लिख के भेजें. और मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं. चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें. विश यू ऑल द बेस्ट.